स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग टॉपिक है हमारा टेबल 8.2 को स्टडी करना, हमने अल्कलाई मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स का जो है कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो टेबल 8.2 आप लोगों की स्क्रीन पे, कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले जो है बॉक्स है वो प्रॉपर्टी, उसके बाद फिर हमने देखना है एटम कौन सा, सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, और उसके बाद फिर कैल्शियम है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में अपीयरेंस, सोडियम की जो अपीयरेंस है वो क्या है, सिल्वरी वाइट हैविंग अ मेटैलिक लस्टर, वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो उसकी अपीयरेंस है सिल्वरी वाइट एंड हार्ड। इसी तरह कैल्शियम की अगर हम बात करें तो सिल्वरी ग्रे एंड फेयरली हार्ड। ठीक है, यानी कि अपीयरेंस क्या है, जहरी जो उनकी सूरत है। ठीक है, सोडियम की क्या, मेटेलिक चमक के साथ जो है सिल्वरी वाइट, बहुत नरम, और उसे यानी कि हम किसी चाकू वगैरह या छुरी वगैरह के साथ भी काटा जा सकता है। ठीक है, मैग्नीशियम की सिल्वरी वाइट और सॉफ्ट। ठीक है, अब कैल्शियम की अगर हम बात करें तो सिल्वरी ग्रे, और यानी कि मुनासिब तौर पर जिसे कहते हैं कंपैरेटिवली जो थोड़ी हार्ड। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें प्रॉपर्टी में एटॉमिक साइज या आयनिक साइज इन पिकोमीटर, तो सोडियम हमारा है 186102। ठीक है, मैग्नीशियम 160172, कैल्शियम 197.99। ये डिफरेंट है, ये MCQs के लिए जो है ये टेबल इम्पॉर्टेंट है। रिलेटिव डेंसिटी की अगर हम बात करें तो सोडियम की 0.98 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसके साथ ये भी मेंशन किया गया कि फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि पानी पर जो है वो तैरती है। उसके बाद मैग्नीशियम की अगर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें हम तो 1.74 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, कैल्शियम की 1.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मैलिएबिलिटी जो है वेरी मैलिएबल एंड डक्टाइल जो है वो सोडियम, मैलिएबल और जो डक्टाइल है, ये आपको जो लास्ट टॉपिक था हमारा यस्टरडे का उसमें एक्सप्लेन कर दिया गया था, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, वैसे उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। तो मैग्नीशियम भी वेरी इसके साथ हम नहीं लगाएंगे, जस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल, और कैल्शियम के साथ भी सिंपली मैलिएबल एंड डक्टाइल। सिर्फ कंडक्टिविटी भी, जो सोडियम है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नीशियम जो है वो भी सेम है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और कैल्शियम भी सेम है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट 97, मैग्नीशियम का 650 सेल्सियस, कैल्शियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट 839 सेल्सियस, और इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट्स भी आप लोग देख सकते हैं आपके सामने। और ये जो है मैं फिर बता रहा हूँ कि MCQs के वाले से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी 496 किलो जूल पर मोल सोडियम, 738-1450 किलो जूल पर मोल मैग्नीशियम, 591-1145 किलो जूल पर मोल। ये सिर्फ अपने वैल्यूज याद रखनी है। ठीक है, अब फ्लेम इन एयर, अगर हम प्रैक्टिकल बेस ये क्वेश्चन है अगर उसकी हम बात करें, तो सोडियम को अगर उसका फ्लेम बनेगा तो वो कैसा बनेगा, गोल्डन येलो कलर का। ठीक है, तो ये आप 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैग्नीशियम का जो होगा वो ब्रिलियंट वाइट होगा, और कैल्शियम का ब्रिक रेड होगा। ठीक है, अब इसी तरह हम बात करते हैं इनकी, द एलिमेंट्स इन फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये आप डेफिनेशन भी यहाँ से पिक कर सकते हैं अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, यानी कि जो पहले दो ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, उनको अल्कलाई और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो कहा जाता है, पहले को अल्कलाई और दूसरे को अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाई मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव, अल्कलाई जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज उसकी रीज़न ये होती है कि ऑफ दियर NS1 बैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो NS1 है, तो इस वजह से एज देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन दियर बैलेंस शैल, जहाँ पे आपको पता है कि उनके जो बैलेंस में आउटरमोस्ट शैल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इट कैन बी ईजीली गिवन आउट, ये आसानी से जो है वो
रिलीज किया जा सकता है. दिस इज द रीजन दैट दे आर ऑलवेज फाउंड इन नेचर एज कैटाइंस विद प्लस वन. सो इसीलिए इनको ये कैटाइंस बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज का वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वहाँ पे कैटाइनिक फॉर्मेशन है. ठीक है, प्लस वन मतलब के जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज करता है अपने आउटरमोस्ट सेल से, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी फिर उसकी, प्लस वन. सो देयरफॉर दे रेडिली फॉर्म साल्ट्स विद नॉन मेटल्स. ठीक है, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एटम्स आर स्मॉलर एंड हैव मोर न्यूक्लियर चार्ज. दे हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल दैट इज एन एच टू. दे आर ऑल्सो रिएक्टिव बट लेस देन अल्कलाइन मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं ये भी रिएक्टिव हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो अल्कलाइन मेटल से कम होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं. इनकी जो आउटरमोस्ट शेल में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, NS2 होगी. सो दे आर ऑल्सो रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन अल्कलाई मेटल्स के मुकाबले में अगर देखा जाए तो ये कम रिएक्टिव होते हैं. तो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का टॉपिक. आई होप कि आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू सो मच.